नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको अंजीर का जूस बताने वाली हूँ, जिसे नवीज भी बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं अंजीर की नवीज। ये मैंने अंजीर लिए हैं, इस तरह ये अंजीर आते हैं। ये मैंने 20 अंजीर लिए हैं, एक व्यक्ति के लिए मैंने ये 4 अंजीर लिए हैं, तो मैं 5 व्यक्ति के लिए भिगो रही हूँ। तो मैंने ये पूरे 20 अंजीर लिए हैं, इनको अच्छे से धो लेना है। 4-5 पानी से अच्छे से धो के पानी निकाल देंगे और अच्छे से इस तरह मसल मसल के धोना है, अच्छे से साफ कर लेना है। धो लिए हैं, बिल्कुल साफ हो कर लिए अच्छे से। और इसके बाद में मेरे पास में ये 2 साइज के गिलास हैं, तो ये छोटे साइज का गिलास है, इससे मैं पानी का माप करूँगी, क्योंकि अगर बड़ा माप करेंगे तो फिर बाद में फीका रह जाएगा। तो हम छोटे साइज का जो गिलास है वो ले रही हूँ मैं। तो इसमें मैं 5 गिलास पानी डाल रही हूँ, 1, 2, 3, 4, ये मैंने 5 गिलास पानी डाल दिए हैं, जो कि ना ही ज़्यादा बिल्कुल छोटा है, ना ही गिलास बिल्कुल बड़ा है, बीच की साइज का गिलास है। ढक्कन लगा के रात भर हम भिगो के रख देंगे, रात को ही भिगोना है ताकि अच्छे से भीग के तैयार हो, ढक्कन लगा देंगे। अंजीर का जूस आप नवरात्रि में पी सकते हैं, ये अनाज में नहीं आता, और जिन्हें शुगर है वो भी ये पी सकते हैं, क्योंकि इसमें मीठा वगैरह कुछ नहीं डाला जाता। अगर आप फिर भी अगर मीठा डालना चाहते हैं, अगर आपकी शुगर नहीं है, तो आप मीठा हल्का सा डाल सकते हैं और बर्फ वगैरह डाल सकते हैं, और पीसते समय थोड़ी इलायची भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अगर इलायची नहीं डाले तो भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छे से हमारी अंजीर इस तरह भीग गई है, देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से भीग गई है। तो आप भिगोते समय इतना ध्यान रखें कि पूरा टाइम दे भीगने के लिए, या तो रात को ही भिगो दें, अगर दिन में भिगो रहे हैं तो पूरा टाइम दे के फिर भिगोना है, ताकि अच्छे से अंजीर हमारी इस तरह से भीग के तैयार हो जाए। अभी एक जार लेंगे और जो हमारी अंजीर है वो डाल लेंगे। अंजीर का जूस पीने से जिन्हें खून की कमी है वो भी दूर करता है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके खून की कमी है तो उसको भी पूर्ति करता है। और जो भाई बहन रोज़ा रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। सुबह सुबह रोज़ा शुरू करने से पहले ये पी लें तो पूरा दिन आपको ताकत महसूस होएगी, तो आप रोजे में भी ये पी सकते। अब इसमें हम ये जो हमने अंजीर में पानी डाला हुआ है ये पानी डाल लेंगे, एक साथ में पूरा पानी नहीं डाल लेंगे और अलग से कोई पानी नहीं डाला। जिस पानी में हमने भिगोया है अंजीर को वही पानी में हमें पीसना है। अच्छे से पीस लिया है, अभी छलने लेंगे और छान लेंगे। चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, अच्छे से छान लेना है। अच्छे से छान लिए हैं और जो हमने पानी भिगोते समय डाला था वही पानी हमें काम में लेना है। वापस पानी डाल के थोड़ा और फेंट लेंगे। छान देंगे, जो पानी हमारा है वो भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने माप करके पानी डाला था, 5 जन के हिसाब से 5 गिलास पानी डाला हुआ है और 4 अंजीर भिगोई थी मैंने। तो आप जितने व्यक्तियों के लिए भिगो रहे हैं उस हिसाब से पानी डालें और अंजीर डालें, और अलग से पानी नहीं डालना, अच्छे से छान लेना है। देखिए अच्छे से छन गए हैं, अच्छे से मिला देंगे। अलग से आपको चीनी या कोई भी ऐसा मीठा नहीं डालना, क्योंकि ये अपने आप में मीठा से होते हैं, इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह हमारी नवीज तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने 5 गिलास पानी लिया था और पूरा 5 गिलास बराबर बैठा है ये। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी मीठा वगैरह,
और ये आसानी से बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।